दोस्तों आज आपको 15,000 में मिलने वाले सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे तो एक अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन में कुछ खास फीचर्स का होना बहुत ही जरूरी है, जैसे बड़ी और हाईर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, बिग बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, अप टू 4 to 6 GB रैम और सबसे मेन फीचर उसमें एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में ये सारे फीचर्स टॉप 3 स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में सारे स्मार्टफोन्स के लिए मैं अपना एक नॉलेजेबल ओपिनियन दूंगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने टॉप 3 स्मार्टफोन्स की तरफ एंड सारे स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 स्मार्टफोन को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी नार्जो 20 प्रो। दोस्तों ये फोन काफी पावरफुल स्मार्टफोन है, इसमें आपको गेमिंग के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसके स्पेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले को देखें तो इसमें मिलता है 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों इसके डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट होने की वजह से डिस्प्ले गेमिंग के टाइम काफी स्मूथ परफॉर्म करती है, तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें मिलता है 4500 mAh की बैटरी। दोस्तों अभी के टाइम में 4500 mAh की बैटरी बेशक कम है, बट आपको इसमें मिलेगा 65W का सुपर डार्ट चार्जर। तो दोस्तों इससे आप 0 to 100 से 38 मिनट में चार्ज कर सकते हो। आपको लंबे टाइम तक फोन को चार्ज पे लगाने की जरूरत नहीं होगी, चार्जर बेटर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रैम स्टोरेज की। दोस्तों इसमें आपको 2 रैम वेरिएंट मिल जाता है और इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ आता है एंड इसको आप 256 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो दोस्तों इतनी रैम काफ़ी होती है हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स को स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मेन फीचर परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर की। दोस्तों इसमें मिलता है मीडियाटेक हीलियो G95 का पावरफुल प्रोसेसर। दोस्तों इस प्रोसेसर पे आप फ्री फायर और पबजी जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स को इजीली खेल पाएंगे। आप इसमें हाई FPS पे भी इजीली खेल पाएंगे एंड आपको लेग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों अब इसके कैमरे को भी देख लेते हैं। इसके बैक में मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसमें 48 MP का मेन कैमरा, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 22 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं एंड इसके फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से आप काफ़ी हाई क्वालिटी के फोटोज़ को क्लिक कर पाएंगे एंड 30 FPS पे 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसके फ्रंट कैमरे से भी आप ओवरऑल एवरेज क्वालिटी के फोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिलता है एंड ये स्मार्टफोन आपको 2 कलर में मिल जाता है, ब्लैक निंजा एंड व्हाइट नाइट के कलर में। दोस्तों इस स्मार्टफोन का और बाकी 2 स्मार्टफोन्स के प्राइस आपको एंड में देखने को मिलेंगे और एंड में पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने सेकेंड स्मार्टफोन की बात करते हैं एंड उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है Poco X3। दोस्तों ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में इतना पावरफुल स्मार्टफोन है कि मेरे हर वीडियो में 15,000 के प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में शामिल है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिस्प्ले को देखते हैं। तो इसमें मिलता है 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली बड़ी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ और साथ ही मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले तो काफ़ी कमाल की मिल जाती हैवी गेम्स में भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड काफ़ी पावरफुल प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है, जिससे आपका स्क्रीन काफ़ी सेफ होगा। तो अब इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें मिलता है 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी 33W फास्ट चार्जर के साथ। तो आप इतनी बड़ी बैटरी पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इजीली गेमिंग कर सकते हो। तो अब बात करें इसके रैम स्टोरेज की, तो दोस्तों इसमें 2 रैम वेरिएंट मिल जाता है और इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ मिलता है और आप इसे 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गेमिंग के लिए सबसे मेन फीचर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर का यूज किया गया है। दोस्तों इस प्रोसेसर पे आपको गेमिंग के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, इसमें आप हैवी गेम्स को हाई FPS पे विदाउट लेग प्रॉब्लम के इजिली खेल पाएंगे। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है। तो चलिए अब इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा, 13 MP का वाइड एंगल कैमरा एंड 22 MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं और वहीं इसके फ्रंट में 20 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसका कैमरा तो काफ़ी कमाल का मिल जाता है और इससे आप काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के फोटोग्राफी कर सकते हैं और वहीं इसके फ्रंट कैमरे से भी आपको काफ़ी हाई क्वालिटी के फोटोज़ मिल जाते हैं।
दोस्तों इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है और इसमें मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसमें आप सेम टाइम पे दो सिम या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड को ही लगा सकते हैं। एंड ये स्मार्टफोन आपको दो कलर में मिल जाता है, कोबाल्ट ब्लू एंड शेडो ग्रे। तो दोस्तों पोको एक्स थ्री तो काफी पावरफुल स्मार्टफोन है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स आपको खास मिलते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो एक 5G स्मार्टफोन है। तो दोस्तों हमारे पहले नंबर पे है Realme 8 5G। तो चलिए अब इसके सारे स्पेक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। अब इसकी बैटरी को देखें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 18 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। चार्जिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती तो बेहतर होता, बट ठीक ठाक है। तो अब इसके रैम और स्टोरेज को देखें तो इसमें दो रैम वेरिएंट मिल जाता है और इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाता है एंड आप इसे 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब इसके मेन फीचर परफॉर्मेंस को देखें तो दोस्तों इसमें मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का पावरफुल 5G प्रोसेसर। इस प्रोसेसर पे गेमिंग में काफ़ी हाई परफॉर्मेंस मिलने वाली है। दोस्तों जब आप इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते हो तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, इसमें आप हैवी से हैवी गेम को भी इजिली परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इसके कैमरे को भी देख लेते हैं। तो इसमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 22 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे से आपको ओवरऑल एवरेज क्वालिटी के फोटोज मिल जाते हैं। दोस्तों इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है और ये स्मार्टफोन आपको दो कलर में देखने को मिल जाते हैं, सुपर सोनिक ब्लू एंड सुपर सोनिक ब्लैक। दोस्तों इसमें एक और भी खास फीचर है, आप इसके रैम को वर्चुअली इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप 4GB वाला वेरियंट लेते हो तो इसको वर्चुअली 5GB तक बढ़ा सकते हो और बाकी एस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आपको कुछ कमियां भी मिल जाती है जैसे 18 वोल्ट का चार्जर, इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतर होता। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए इसको देख रहे हो तो ये स्मार्टफोन सबसे बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है तो दोस्तों Realme Narzo 20 Pro की बात करें तो इसमें आपको एवरेज क्वालिटी के फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि 45mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, तो इस प्लस पॉइंट से बैटरी की कमी को मेंटेन कर लेता है। तो अगर आपको Realme का स्मार्टफोन चाहिए गेमिंग के लिए तो आप Realme Narzo 20 Pro को देख सकते हो। और अब अगर पोको X3 को देखें तो काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है, इसमें आपको बिग डिस्प्ले फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, बिग बैटरी और अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी मिल जाता है। तो अगर आपको गेमिंग के साथ अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो पोको X3 को देख सकते हो। और अगर आपके लिए कैमरा इतना मायने नहीं है तो गेमिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा Realme 8 5G को, क्योंकि दोस्तों ये गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन है। अब इन सब स्मार्टफोन की प्राइस को देखें तो सभी स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट की कीमत है 15,000। दोस्तों आपको हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिल जाती है। अगर आपको एक अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देखो एंड अगर आपको 13,000 में गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो राइट वाली वीडियो को देखो।